सेवन प्लस बैंड स्कोर लेना चाहते हो, सीरियसली वन कैन बिलीव इफ यू वर्क हार्ड कीप गेम एंड नेवर लॉस मोटिवेशन यू कैन अचीव एनीथिंग। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप सेवन प्लस बैंड स्कोर कैसे ले सकते हो। तो मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। और इस इंस्टाग्राम के ऊपर 100% आपको विद स्क्रीन रिकॉर्डिंग मोबाइल की कभी झूठ नहीं होती, कभी फेक नहीं होती, 100% फ्रॉम अवर पीडीएफ। हम पीडीएफ में 20 स्पीकिंग क्यू कार्ड देते हैं, 20 नियर अबाउट रीडिंग लिसनिंग देते हैं, 100% फ्रॉम अवर पीडीएफ। जो अभी लेटेस्ट एग्जाम होकर गए हैं देख सकते हो, ऑल ओवर इंडिया चैलेंज। प्लस कभी रीडिंग के 2 पैसेज, कभी रीडिंग के 1 पैसेज, कभी राइटिंग टास्क 2, कभी राइटिंग टास्क 1 एंड स्पीकिंग फ्रॉम अवर पीडीएफ। बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जब हमारे 20 टॉपिक में से हमें ये चीज़ देखने को मिलती है रियल एग्जाम में 100% सेम। और स्टूडेंट का रिजल्ट भी देख सकते हो, बहुत अच्छा आता है। 8.5 बैंड स्कोर, 6.5 बैंड स्कोर, 8.5 अगेन, 6.5 अगेन। तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट है यहाँ पर, आप देख सकते हो अवेलेबल है। स्टूडेंट के अगर किसी को प्रेडिक्शन प्लस मटेरियल चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वेरी इंपॉर्टेंट स्पीकिंग क्यू कार्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आईएलएस वाला इंडिया। इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ स्पीकिंग के बारे में। जिन स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है, उनका बैंड स्कोर नहीं आता, उनको 7.5 बैंड स्कोर चाहिए अपनी स्पीकिंग मॉड्यूल में, तो इस वीडियो को देखने के बाद गारंटी देता हूँ 100% आपका स्कोर आएगा। इसके ऊपर जो वीडियो है, कौन सा क्यू कार्ड है, डिस्क्राइब ए पॉपुलर फेमस पर्सन इन योर कंट्री। आप किसी भी पर्सन का नाम ले सकते हो जो काफी ज्यादा फेमस है और बहुत पॉपुलर है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हमारी इंट्रोडक्शन। बहुत ज्यादा स्टूडेंट को यही नहीं पता इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है 7+ बैंड स्कोर लेने के लिए, और वो इंट्रोडक्शन के बारे में बोलते नहीं है, डायरेक्ट अपना ही शुरू कर देते हैं टॉपिक। तो पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट गेम पे। इंट्रोडक्शन में मुझे क्या कुछ ऐड करना है, लेट्स सी। आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन में मुझे ऐड क्या करना है, प्लेइंग आउटडोर गेम्स कीप अवर मेंटली एंड फिजिकली फिट। मतलब कि जो हम आउटडोर गेम्स खेलते हैं तो वो हमें क्या रखती हैं, मेंटली फिट रखती हैं एंड फिजिकली फिट रखती हैं। एंड एन हॉनर दैट वी गेट चांस टू रिप्रेजेंट अवर कंट्री एट इंटरनेशनल लेवल, कि हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं अपनी कंट्री को इस लेवल के ऊपर। द कमिंग जनरेशन गेट्स गुड रोल मॉडल टू फॉलो, कि जो आने वाली जनरेशन है हमें वो एक रोल मॉडल की तरह मानती है और हमें फॉलो करती है। फॉर एग्जाम्पल हम मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं, हमें देखकर बहुत सारे स्टूडेंट या बहुत सारे लोग देखकर हमें वॉक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो द कमिंग जनरेशन गेट्स गुड रोल मॉडल टू फॉलो, तो ये एक बहुत रोल मॉडल माना जाता है। प्लेइंग गेम्स even help to build good leadership skill, one need to cooperate, communicate and coordinate while playing games। मतलब कि जो एक help करती है हमारी गेम में, एक लीडरशिप स्किल में, कॉरपोरेट करने में, कम्युनिकेट करने में, तो गेम्स काफी ज्यादा हमें प्रोवाइड करती हैं। रिसेंटली क्या हुआ था, नीरज चोपड़ा वन ने गोल्ड मेडल, आपने सुना होगा हरियाणा का नीरज चोपड़ा है जिसने गोल्ड मेडल जीता एंड मेड अवर कंट्री प्राउड, और हमारी कंट्री को प्राउड बनाया। वी हैव मैनी एथलीट्स इन अवर लाइक सचिन तेंदुलकर, MS धोनी एंड मैनी मोर। बहुत ऐसे एथलीट्स हैं, अगर आपको मान लो एथलीट वाला आ जाता है तो वहां पर आप ये इंट्रोडक्शन ऐड कर सकते हो, वी हैव मैनी एथलीट्स इन अवर कंट्री लाइक सचिन तेंदुलकर, MS धोनी एंड मैनी मोर। तो ये हमारी इंट्रोडक्शन है, कंप्लीट होगी। अब इंट्रोडक्शन 100% कंप्लीट होगी, अब मुझे क्या करना है, मुझे उस पर्सन के बारे में बताना है जिसके जो काफी ज्यादा फेमस है। हु इज दिस पर्सन, वो कौन है। हेयर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फेमस एथलीट, मैं एक फेमस एथलीट के बारे में बात करने जा रहा हूँ, महेंद्र सिंह धोनी।
महेंद्र सिंह धोनी के बारे में कौन नहीं जानता। रिसेंटली महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग आईपीएल मैच जीत चुकी है और आईपीएल में उसको आई थिंक बहुत बड़े लेवल की मान्यता प्राप्त हुई है महेंद्र सिंह धोनी को चेन्नई सुपर किंग आईपीएल जीतने के बाद। हु वॉज द कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम, की जो इंडियन टीम का एक कैप्टन था इन ऑल फॉर्मेट्स, मतलब ऑल फॉर्म में वो इंडियन टीम का कैप्टन था। लुकिंग एट हिम हिज 40s, मतलब उसकी अगर एज की हम बात करते हैं नियर अबाउट 40 है, 38 39 40 के नियर अबाउट है। ही लुक्स फिट एंड कंपीट्स लाइक 20 ईयर ओल्ड, और वो इतना फिट है कि उसकी जो वो ऐसे लगता है कि वो 20 ईयर ओल्ड ही है अभी, लाइक कंपीट्स लाइक 20 ईयर ओल्ड एंड आल्सो सर्वे एट ए हाई रैंक इन इंडियन आर्मी, और उसके पास एक हाई रैंक भी है इंडियन आर्मी में। कमिंग फ्रॉम ए हम्बल बैकग्राउंड ही हैज प्रूवन हिमसेल्फ, अगर हम उसके बैकग्राउंड की बात करते हैं, ही हैज प्रूव कि वो अपने आप को प्रूव कर चुका है कि कमिंग फ्रॉम ए हम्बल बैकग्राउंड, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि वो प्रूव कर चुका है अपने आप को एंड मेड द कंट्री प्राउड, और कंट्री को उसने प्राउड बनाया है। ही इज ए विकेट कीपर, वो एक विकेट कीपर है, बैट्समैन है एंड ही हैज एनिमेटेड हेलीकॉप्टर शॉट्स इन क्रिकेट, और उसको ज्यादातर किस नाम से जाना जाता है कि हेलीकॉप्टर शॉट के नाम से उसको जाना जाता है। मतलब कि उसके बारे में बात करी कि वो पर्सन है कौन, एथलीट है, 40 इयर्स का है, 20 ईयर का लगता है, इतना अपने आप को फिट रखता है, बैकग्राउंड उसने चेंज करा है, प्रूवन किया है अपने आप को कि बहुत कुछ कर सकते हैं जिंदगी में, और वो उसकी मेन स्किल क्या है, विकेट कीपर है, बैट्समैन है, और किस नाम से जाना जाता है क्रिकेट में, एक हेलीकॉप्टर शॉट में वो जाना जाता है, राइट। प्लीज कमेंट कर कर जरूर बताना कि कैसा लग रहा है आपको, कैसा फील कर रहे हो इतना अच्छा तरीके से समझने के बाद, प्लीज जरूर कमेंट करके बताना। वट ही लाइक और शी, वाई डू यू थिंक इज दिस पर्सन इज पॉपुलर। आई नो हिम फ्रॉम अज अर्ली क्रिकेट डेज वेन ही एंटर द इंडियन टीम विद लॉन्ग हेयर, कि मैं उसको तब से जानता हूँ जब उसने इंडियन टीम के अंदर एंट्री करी थी, और उसके जो बाल थे वो काफी लंबे थे। महेंद्र सिंह धोनी की अगर आप बात करते हो स्टार्टिंग टाइम, तो उसके बाल काफी ज्यादा लंबे थे। ही लुक्स वेरी हैंडसम एंड प्लेयर एक्सप्लेनिंग वेल, कि वो काफी ज्यादा हैंडसम था और बहुत अच्छे तरीके से उसकी परफॉर्मेंस थी। थ्री फॉर्मेट्स, इंडियन वन टी ट्वेंटी, इंडिया ने जीता टी ट्वेंटी ओडीआई वर्ल्ड कप अंडर द लीडरशिप एंड मैनी अदर चैंपियनशिप्स टूर्नामेंट्स। ही एक्सट्रीमली फेमस इन एवरी इंडियन होम, और वो तब से ही उसने काफी ज्यादा मैच जीते, टी ट्वेंटी जीता, वर्ल्ड कप जीता 2011 के अंदर, और उसके बाद एक वर्ल्ड कप और हुआ था, मुझे डेट याद नहीं है, काफी चैंपियंस जीते, टूर्नामेंट जीते, एंड ही एक्सट्रीमली फेमस इन एवरी इंडियन होम। अगर आप किसी और पर्सन के बारे में भी बोलना चाहते हो, किसी और पर्सन के बारे में भी आप फेमस पर्सन की बात करना चाहते हो, तो वहां पर आप इस लाइन को कॉपी कर सकते हो जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। इस लाइन को आप कॉपी कर सकते हो जो आपके नीचे आपको मैंने रेड कलर में अंडरलाइन करी है। ही इज एक्सट्रीमली फेमस इन एवरी इंडियन होम, कि वो हर एक इंडियन के घर के अंदर बहुत अच्छे तरीके से जाना जाता है, मीन्स काफी ज्यादा फेमस है। सो आपने कॉपी पे लिख लिया होगा, हु इज दिस पर्सन इन्फ्लुएंस द पब्लिक, कि पब्लिक को वो काफी ज्यादा मतलब नेम है। महेंद्र सिंह धोनी इज रोल मॉडल टू एवरी एनर्जिंग क्रिकेटर, के हरेक क्रिकेटर का महेंद्र सिंह धोनी है वो एक रोल मॉडल है। हिज स्ट्रगल इंस्पिरेशन ऑल क्रिकेटर्स, उसकी स्ट्रगल उसकी इंस्पिरेशन मतलब काफी ज्यादा हमें उत्साहित करती है। एंड एवरी इंडियन हु बिलोंग टू हम टू ए हम्बल फैमिली बैकग्राउंड लुकिंग एट हिम, क्योंकि कोई भी पर्सन है अगर नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता तो वो एक बार महेंद्र सिंह धोनी को देखता है। एंड वन कैन हिम एंड कैन बिलीव इफ यू वर्क हार्ड कीप क्लेम एंड नेवर लॉस मोटिवेशन देन अचीव एनीथिंग। मतलब कि आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ कि अगर आप हार्डवर्क करते हो, आप हार्डवर्क करते हो, अपने आप को कूल रखते हो एंड नेवर लॉस मोटिवेशन, हमेशा मोटिवेशन भी माइंड में रखते हो, नेवर गिव अप हम जिसे बोलते हैं स्लोगन को, एंड नेवर थिंक नेगेटिव, ये चीजें बोलते हैं मोटिवेशन में, तो कैन अचीव एनीथिंग। मैं आपको कहता हूं अगर आप बैंड स्कोर लेना चाहते हो
वन कैन बिलीव इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप बैंड स्कोर लेना चाहते हो, इफ यू हार्ड वर्क कीप क्लाइम एंड नेवर लॉस मोटिवेशन यू कैन अचीव एनीथिंग। 100% आप बैंड स्कोर ले सकते हो अगर आप इस बात को फॉलो करते हो। अगर आप